हाय दोस्तों बहुत दिनों बाद आप मुझे YouTube पे देख रहे हो दोबारा यस आई एम बैक एक साल से ज़्यादा हो गया ना आई गेस कि मैं इंस्टा पे भी नहीं था और YouTube पे भी नहीं था इंस्टा पे तो तब नहीं था जब मेरे रील्स uh, जो है वायरल हो रहे थे क्या करें ना यार एक ट्रांजिशन पीरियड रहता है अपने लाइफ में अगर आप छोटे हो तो आपकी लाइफ में आने को टाइम है मेरे जितने एज में आ जाओगे मुझसे ज़्यादा रहोगे तो एक ट्रांजिशन पीरियड आ ही जाएगा जहाँ पे ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स थिंकिंग एंड चीज़ें सब एक साथ आती है ना तो सब जम्बल हो जाता है एंड कहीं ना कहीं सब चीज़ को सॉल्व करते करते सेट करते करते एक काफ़ी लंबा पीरियड लग जाता है एंड वहीं पे मुझे ना यूट्यूब है ना एक ऐसा चीज़ है ना ये मेरा पैशन है ऐसा नहीं चाहता था कि यार मैं एक वीडियो बनाऊँ और फिर बहुत टाइम तक मैं नहीं बना पाऊँ आई वॉन्टेड कि मैं इसको करूँ तो बहुत अच्छी तरह से करूँ क्योंकि इट्स इट्स माई पैशन राइट सो वही था इसलिए मैंने सोचा कि यार दो महीना चार महीना थोड़ा ज़्यादा ही चला जाए पूरी तरह से मोटिवेट होकर आता हूँ क्योंकि YouTube नीड्स अ मॉट ऑफ मोटिवेशन आपको रोज़ कंटेंट बनाना है कुछ ना कुछ सोचते रहना है वो होता था एंड दूसरी चीज़ क्या है ना जैसे मेरा ट्रांजिशन पीरियड जा रहा था ना तो बहुत सारे चीज़ें जो है स्किल्स मैंने डेवलप किए हैं बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अब उसके बारे में मैं सोचता हूँ कि कभी मैं इस चैनल पर बनाऊँ या कोई नया चैनल बनाऊँ एंड अप्रैल में ना मेरे बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे पुराने तो आएंगे ही लेकिन लेटेस्ट भी बहुत सारे आएंगे बिकॉज़ आई एम प्लानिंग फॉर टू थिंग्स फर्स्ट इज़ अ बिग स् टू ऑल ऑफ यू गाइज कि मैं इतने टाइम तक इनएक्टिव था वो भी जब मैं अपने पीक पीरियड पे था इंस्टा पे भी सेकंड थिंग इज इन द मंथ ऑफ मे आई एम गोइंग लद्दाख यस यू हर्ड मी राइट सो आई एल बी इन लद्दाख दिस मे तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कोई सरप्राइज रिवील एंड ऑल दैट नहीं है एक साल से तो ज्यादा हो गया यार अभी क्या सरप्राइज दू आप देखोगे की मैंने कल ही जो है माइक खरीदा हुआ है ये है मेरा डिजिटेक का माइक तो मैं YouTube करने के लिए ही खरीदा है उसी को मैं फिलहाल अभी यूज कर रहा हूँ मैंने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है YouTube के लिए रिगार्डिंग मेरा फोन भी जो है मैंने अपग्रेड ही किया है तो ये जो वीडियो है ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है एंड आई डोंट नो कि कितने लोग मुझे देखने वाले हैं जो भी देख रहे हैं थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज थैंक यू फॉर योर सपोर्ट हम धीरे धीरे जो है अपनी ऑडियंस को दोबारा से हम कनेक्ट कर लेंगे और वीडियोज को जो है हम कंसिस्टेंटली लाएंगे सर अभी अप्रैल का महीना बिल्कुल सामने है आई थॉट कि यार ये टाइम है ना आपको मैं बताऊँ की कुछ ऐसी बाइक्स के बारे में बताऊँ जो शायद आपको डील में भी मिल सकती है एंड विच आर वन ऑफ द बेस्ट टू बाय इन दिस अप्रैल मंथ जैसा अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको पता होगा कि ये जो अप्रैल का महीना होता है इसको फाइनेंशियल ईयर एंड बोलते हैं एंड अगर आप जॉब करते हो तो आप आई के लिए फाइल करोगे आपके ऑफिस में टैक्स वगैरह कट करना स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर एंड ना ये कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है क्योंकि इनका जो पुराना स्टॉक होता है ये उसको क्लियर करने में एंड नया जो स्टॉक होता है उसको जल्दी जल्दी से वो लोग प्राइस डाउन करके जितना सेल्स निकाल सकते हैं ना वो निकालने की कोशिश करते हैं मैंने जब डोमिनर खरीदी थी तभी जो मार्केट था और अभी जो मार्केट है बहुत बहुत सारे चेंजेस आए हैं काफ़ी सारे एडवेंचर बाइक्स ने मार्केट में एंट्री किया है तो आई थिंक सबसे पहली बाइक हमको जाना चाहिए द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट द हिमालयन फोर गाइज मैंने इस गाड़ी का टेस्ट राइड एंड रिव्यू दोनों किया हुआ है

ये जब मार्केट में लॉन्च हुई थी और अब भी जो मार्केट में है इट हैज़ ऑलवेज 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 कम अप विद सम अमेजिंग प्रोडक्ट्स एंड 390 नाइन्टी एडवेंचर तो ऑब्वियसली इंडिया में तो बेंच सेट करता है अब भी रिसेंटली जो अजिंक्य भाई हैं जिनकी टू फिफ्टी एडवेंचर थी इफ यू रिमेंबर उन्होंने अभी अपग्रेड किया है टू तो 390 नाइन्टी एडवेंचर तो उनकी डिलीवरी का वीडियो भी बाकी है वो भी मैं अभी शॉर्टली अपलोड करने वाला हूँ अगर आप स्किल्ड राइडर हो और आपके जो स्किल्स है अच्छे खाते डेवलप्ड है तो आई थिंक थ्री नाइन्टी एडवेंचर इज़ अ गुड बाइक टू बाई ऑफकोर्स आज के दिन में जो है बाइक्स की प्राइजिंग बहुत ज़्यादा हाई है वेदर इट्स द हिमालयन द्री नाइन्टी और एनी एल्स बाइक इवन डोमिनार भी आज के दिन में तीन साढ़े तीन लाख की आ रही है द थर्ड वन एंड द लास्ट वर्ड आई थिंक यू शुड गो फॉर इज़ अन डाउटबली द अराउंड द वर्ल्ड इट हैज आई हैव ट्रेवल्ड अराउंड सिक्सटी फाइव थाउजेंड किलोमीटर्स येस लास्ट टाइम मैंने डरा तो पता नहीं कितना किलोमीटर था बट अभी सिक्सटी फाइव थाउजेंड किलोमीटर्स मेरी गाड़ी चल चुकी है तो उसका वीडियो भी आएगा सब तब... चीज़ें हैं जो मुझे वीडियो बनाना है वो तो बहुत सारा है भाई पूरा तो बिल्स 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 भरा है मैंने डोमिनर का तो उसका भी वीडियो आएगा यार तो टूरिंग के लिए एकदम परफेक्ट है थोड़ा सामान बिठाओ लगेज सेट करो आपकी गाड़ी सेट है एकदम ज़बरदस्त है तो ये तीन गाड़ी मुझे जो लगता है मार्केट में फिलहाल धमाका कर रही है आई थिंक आपको इन तीनों में से किसी में भी एक बहुत अच्छा डील मिले एंड आपकी एक्सचेंज में अगर बाइक चली जाए तो आप बिंदास उठा लीजिए डेफिनेटली देर इज अ प्राइस गैप आप कभी भी क्या करना आपका जो नज़दीक का शोरूम है ना वहाँ पे तो चेक करना ही है बट आपको और भी शोरूम्स में जाने थोड़े दूर, दूर दूर भी जाओ जैसे एग्जाम्पल मैं डोंबिवली में रहता हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ के शोरूम में नहीं देखूंगा मैं थाने में भी देखूंगा वाशी में भी देखूंगा इवन मुंबई में भी जाके देखूंगा लेकिन कहाँ पर डील मिल सकता है बिकॉज फाइनेंशियल ईयर एंड है तो बहुत लोग जो है गाड़ी निकालने के चक्कर में रहते हैं और आपको अच्छी डील मिल सकती है मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो था मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहा था तो आई थॉट कि दिस वन बी द राइट टॉपिक इस वीडियो के बाद में मेरे शायद हिमालयन 450 के बारे में वीडियो आएगा एंड वो भी काफ़ी अच्छा वीडियो है क्योंकि अभी कैसा है ना मेरे पास बहुत सारा कंटेंट पड़ा है यार ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सिक्स सेवन हंड्रेड जी बी का कंटेंट है येस yes, जाते जाते बता देता हूँ लद्दाख इज़ कन्फर्म मैं जाने वाला हूँ मे के महीने में अब वो एग्जैक्ट डेट क्या है वो तो मैं आपको एज पर द प्लान बताते रहूँगा बहुत सारी चीज़ें आएंगी प्रिपेरेशन कैसे कर रहा हूँ बाइक की प्रिपेरेशन क्या है बॉडी की प्रिपेरेशन क्या है क्या क्या नया सामान मैंने खरीदा है सब कुछ आपको पता चलेगा आने वाले वीडियोज में तो स्टे यून फॉर इट एंड यूट्यूब शॉर्ट्स भी मैं जो है अभी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ क्योंकि काफी सारा कंटेंट जो है थोड़ा जल्दी रीच हो जाता है आप लोगों तक देन टेक केयर राइट सेव राइट हार्ड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो बाय